हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटी सी और जल्दी बन जाने वाली सब्ज़ी। यह है मिर्च टमाटर की सब्ज़ी। इसे आप चटनी की तरह भी ले सकते हैं पराठों के साथ, और इसे आप अचार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेसिपी तैयार कर लेते हैं जल्दी से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम त्रिगुंस किचन। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए, और वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। सब्जी को तैयार करने के लिए मैंने पके हुए टमाटर लिए हैं और इसे मैंने कट कर लिया है एक प्लेट में। यहाँ पे मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है और इसे सिर्फ मैंने 3 टुकड़ों में काटा है। 4 से 5 मैंने प्याज लिया है और इसे भी इसी तरह से कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 गांठ लहसुन के लिए है और इसे अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद इसे बारीक कट कर लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करके इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप अपने जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो उसे आप यूज़ कर सकते हो। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है राई और ज़ीरा। राई और ज़ीरे को हल्का सा गोल्डन कलर होने के बाद मैं इसमें डालूँगी बे लीव्स। आप करी लीव्स का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। हरी मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया है और फ्लेम जो है हाई है। हल्का सा जो है हरी मिर्च का कलर चेंज होगा तो इस वक्त इसमें डालेंगे लहसुन। इन सब चीज़ों को डालते वक्त जो है फ्लेम हाई रहेगी, और कुछ ही सेकेंड्स के बाद मैं इसमें मिला दूंगी प्याज। प्याज को इसी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी कम ना हो जाए। प्याज जो है हल्की सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मिलाने हैं मसाले। मसालों को मिलाते वक्त जो है फ्लेम लो कर देना है। हल्दी मिलाया है मैंने, और 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है। इनको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए ही इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाना है। और जब ये इस तरीके से हो जाए, मसाले पक जाएं, तो इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक। नमक मिलाने के बाद फ्लेम को फिर से हाई कर दूंगी मैं, और इसके बाद इसे इस तरह से चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है, ताकि जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरीके से हो जाए ये। इसी वक्त इसे ढक्कन से ढक के 2 मिनट के लिए और पका लेना है, ताकि सारी सब्जियाँ जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, और जो ये बचा हुआ पानी है इसे हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए इसे सुखा लेंगे। हल्का सा सब्जी को इस तरह से चलाते हुए प्रेस करते हुए सारी सब्जियों को तैयार कर लेना है। सब्जी जो है इस तरीके की हो जाए तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच चाट मसाला, और कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर लिया है, इसको मैंने हल्का सा हाथ से रगड़ के डाला है। कसूरी मेथी से सब्जी का स्वाद जो है और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच छोटे चम्मच से चीनी लिया हुआ है। चीनी जो है सब्जी के टेस्ट को बैलेंस करेगी। चीनी डालने से बिल्कुल मीठी नहीं होगी, और जो है इसका टेस्ट बिल्कुल चटपटा रहेगा। इसे ढक लेंगे, क्योंकि मैंने चीनी इसमें डाला था, कसूरी मेथी डाली थी। बे लीव्स को निकाल देंगे सर्व करने के टाइम, और सब्जी जो है बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है फ्रेंड्स। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। इसे आप फ्रिज में कम से कम 1 वीक के लिए रख के यूज़ कर सकते हैं, और बाहर आप 4-5 दिन के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।